लास्ट लेक्चर पढ़ के आए हो? अच्छा ठीक है। और आप लोगों का वन से कोई वो तो नहीं है, वो जो वन के साथ तो नहीं बच्चों का क्लैश आ रहा है क्या? ठीक बाकी बच्चे का है। अच्छा वैसे ना मैं बता दूंगी, मे भी ये लोग सारे बच्चों का ही ऑन कैंपस स्टार्ट करते हैं ना, तो बाकी आप लोग स्पेशली इस क्लास में, मतलब मेरी क्लास में हमेशा स्पेशली ना हो। सायरा, सायरा आ गई है, लिंक का कह रही थी। बच्चा आप में से कोई ना ग्रुप में लिंक शेयर कर दे। चलो इनको कह देती हूँ, इनके पास होगा लिंक क्या? शेयर कर दिया हो ग्रुप में। चलो ठीक है ठीक है। तो आप दोनों का क्विज किस दिन था ये बताओ। तो क्विज था तो ये अभी तक सैटरडे के बाद क्यों नहीं बढ़ के आए? और आ भी लाइव, मतलब आ भी इधर सामने, मेरे सामने बैठ के जो है ना पढ़ के नहीं आए। वाह इतना वैसे तो मुश्किल थी कि आपने पिछला लेक्चर तो रिवीजन ही थी या सच टॉपिक का नाम बता देना। पेशेंट सेफ्टी। अच्छा 36 इस क्लास में 176 बच्चे और अभी तक सिर्फ 36 आए हैं इस क्लास में, बाकी बच्चे कहाँ हैं? मैम वो किसी ने लिंक गलत भेज दिया था, मैम अनिका की क्लास का, वो सारे उधर चले गए हैं, अब वो आ रहे हैं। उनको बुलाओ बेटा फिर हम लेक्चर स्टार्ट करें। आप उनको बताओ ना कि वो आपकी मैम अनिका की क्लास में। यस मैम मैंने मैसेज कर दिया, वो लोग सारे आ रहे हैं अब। वेरी गुड ठीक है। अच्छा ये आप लोग जो है रुको, कौन कौन बच्चा पढ़ के आया है? हैंड रेस करो।
उसका क्या नाम था, सिर्फ 4 बच्चे बढ़ के आए। नेक्स्ट क्लास में ना, क्लास शुरू होने से पहले मैंने सबसे पहले क्वेश्चंस करने हैं। आपका क्या नाम है बेटा? हिफ्सा। और आपका? जारा। हिफ्सा और जारा, आप दोनों से भी मैं, ये हिफ्सा और जारा आई हुई है क्लास अटेंड करने, बहुत ही एंथुसियास्टिक बच्ची है। हाँ, हिफ्सा और जारा आई हुई है, आपकी क्लास फेलोज आई हुई है बच्चों, इनको अस्सलाम वालेकुम आप कह सकते हैं। मैम आपने बताया नहीं, कहती है कि हमारा क्विज काम पढ़ के नहीं आया बस। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम किस रूम में क्लास हो रही है? अस्सलाम वालेकुम मैम। ओ मुझे नहीं सलाम करना, इनको सलाम करना है, ये जो हिफ्सा और यकीन करे मैम मेरी बात सुने, मैम मैम सबने कहा था ऑनलाइन होनी है आपकी, ऑन कैंपस नहीं होनी। बेटा मैंने तो ऑनलाइन ही कहा था, इन्हें बड़ा शौक हो रहा था मुझसे मिलने का, आ गई है। मैंने इन्हें कहा कि क्यों आई हो, तो कहती है पता नहीं। मैम हाँ जी मैम, आपको बताया मैं कौन हूं? हम नहीं आए मैम, यकीन करे पूरे हफ्ते में मैं सिर्फ आपकी क्लास का वेट करती हूं, जब से पेशेंट सेफ्टी शुरू हुई है। मैम आपको पता है मैंने इतने टाइम बाद आपकी आवाज सुनी है। ये कौन है? मैम शीरी। शीरी यस मैम, याद है आपको? नहीं मैम, आपसे मैं पढ़ती थी एनाटॉमी। नहीं श्री, आप तो आओगी नहीं इंशाल्लाह, ऑन कैंपस मुझे शक्ल देख के याद आ जाएगा, मुझे ना इस तरह नहीं बच्चे याद रहते बेटा, फिर याद आ जाएगा। मैम अब मैं खास तौर पे आपके लिए आऊंगी। अरे अल्लाह, नहीं नहीं मेरे लिए ना आना। नहीं मैम आपके लिए आएंगे, आपको शक्ल भी तो दिखानी है ना श्री। पता नहीं मुझे ऐसे लग रहा है तुम्हारी आवाज सुनी हुई है, पता नहीं। पता नहीं मैम, श्री महक। श्री महक किस तरह की है भला? छोटा सा बात करती है। चलो शीरी आओगी ना फिर पहचानूंगी, और मुझे नहीं याद आ रहा। मैम मैं आपको आके दिखा दूंगी। ठीक है, श्योर जरूर। और मैम आप तो छोड़ के चली गई थी सुना था। हाँ दोबारा आ गई हूँ, देखो दीप फिर से वापस आ गई हूँ। बस हमारी मोहब्बत ही इतनी है, आपको खींच लई है। बस देखो फिर पढ़ा करो ना, मोहब्बत करते हो तो पढ़ा करो फिर। मैम बस आप जैसे टीचरों की जरूरत है, फिर बंदा पढ़ ही लेता है। चलो बेटा थैंक यू, इतनी तारीफें ना करो, मुझे अब आदत नहीं रही इतनी तारीफें सुनने की। मैम दरअसल आपने इतनी देर बाद ज्वाइन किया ना, और ऑनलाइन सिस्टम में वो मजा नहीं आता जो सामने तारीफें करने का आता है। हाँ सही बात है, ऑनलाइन में मक्खन सही तरह नहीं ना लगता। यस मैम, सामने हो तो टीचर को सही से लग देता है। हाँ गिरी, यस मैम। एनीवे मैम जब आप गई थी हमें बड़ा दुख हुआ था, शुक्र आ गई आप। हेलो थैंक यू बेटा। बस शीरी पढ़ के आई हो जरा ये बताओ। मैं तो आपके लेक्चर में पहले दिन आई हूँ, मुझे अभी नहीं मिला ना, पहले नहीं मिला था तो अभी मिला। चलो ठीक है, अब बाकियों का मुझे लगता है कि बच्चों को लिंक मिल गया क्योंकि काफी बच्चे आ गए। चलो बेटा आज वाला लेक्चर जो है ना वो मैं नेक्स्ट टाइम सुनूंगी, चलो अभी मैं नहीं सुन रही क्योंकि, या कोई पढ़ के आया तो मुझे बता दे क्योंकि आज मेजोरिटी बच्चे नहीं पढ़ के आए, नेक्स्ट टाइम के बच्चे नहीं। जी जी मैम, मैंने आपको मेल की थी अभी थोड़ी देर पहले कि मेरा पेशेंट 51 के साथ क्लैश है, तो मैम कायनात ने कहा था कि मैं आपको कांटेक्ट करूं और आपको बताऊं। हाँ समन तो मेरी कायनात से बात हुई थी, आप ये करो कि अल्टरनेट वीक रख लो, जिस तरह एक वीक आप मेरा अटेंड कर लो और एक वीक पेशेंट 51 का। लेकिन मुझे ना अपना टाइम टेबल भी साथ भेजो, मतलब प्रूफ भेजो कि आपके दोनों लेक्चर्स, मतलब ये दोनों लेक्चर्स जो है वो एक साथ होते हैं। जी मैम ठीक है। अच्छा चलो अनम इसहाक बेटा आप बताओ, लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? अनम पढ़ के आई है, वेरी गुड। अनम, सना, महनूर और सायरा पढ़ के आए, वेरी गुड। यस मैम। मैम हमने पिछली बार बताओ ब्रीफली, बस बताओ। यस मैम, हमने पिछली बार पेशेंट सेफ्टी की डेफिनेशन पढ़ी थी कि एब्सेंस होता है प्रिवेंटेबल हार्म का और रिडक्शन होता है रिस्क फैक्टर्स का, जिसकी वजह से हमें डॉक्टर्स को या पेशेंट्स को हार्म हो सकता है। इसी तरह हमने सेंटिनल जो होते हैं, सेंटिनल जो होते हैं
मैम सेंटिनल यानी कि ऐसी चीजें जो हमारे लिए डेडली हो जाती है, फेटल होती है पेशेंट्स के लिए, उसके बारे में पढ़ा था, जैसे कि सर्जरी हम कर देते हैं रॉन्ग पेशेंट को या रॉन्ग बॉडी पार्ट को, इसी तरह जो अगर हम लोगों ने इनकम्पेटेबल ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे दिया, मेडिकेशन एरर हो जाता है या सुसाइड हो जाता है पेशेंट का या मैटर्नल डेथ होती है, इसी तरह हम लोगों ने पढ़ा था, इसी तरह हम लोगों ने स्विस चीज मॉडल का पढ़ा था। हाँ बस ये बता दो ना, बस ठीक है, बस ये स्विस मॉडल का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करें। यस मैम, स्विस चीज मॉडल में फोर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसे हम लीड कहते हैं। ये क्या होता है कि स्विस चीज मॉडल मेनली जैसे कि ये एक मॉडल होता है जिसमें बताते हैं, जैसे स्विस चीज के अंदर होल होता है तो इसका मतलब होता है जहां भी होल आ रहा है उसका मतलब होता है एरर होता है। इसमें लीड्स मेन चीजें होती है, लीड का मतलब होता है लेटेंट फैक्टर्स वो चीजें होती हैं जैसे कि सिस्टम एरर, मैनेजमेंट डिसीजन हमने रॉन्ग कर दिए हैं, जैसे कि अगर हैंड रिटन प्रिस्क्रिप्शन हमारी गलत हो। जो ई होता है उसका मतलब होता है एरर प्रोड्यूसिंग फैक्टर्स जिसमें एनवायरमेंटल टीम में इंडिविजुअल के आ जाते हैं। जो इसमें ए होता है उसमें होते हैं एक्टिव फेलियर, और जो डी होता है उसमें डिफेंसेस होते हैं। वेरी गुड ठीक है अनम, वेरी गुड। अगले दफा आप लोगों ने भी पढ़ के आना, ठीक है, आप लोगों ने भी, आप दोनों ने भी। अच्छा बेसिकली आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन फैक्टर्स, ठीक है। अब ह्यूमन फैक्टर्स क्या होते हैं? अब बेसिकली ह्यूमन फैक्टर्स ये होते हैं कि वो सारे फैक्टर्स बेसिकली ये है कि हमने इसमें अभी देखा है कि ह्यूमंस जो है ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो एक इंसान की वजह से जिससे गलती हो सकती है, लाइक बेसिकली उसका ये कि उसके टूल्स वगैरह ये इक्विपमेंट यूज करने में कोई गलती हो, ठीक है, और ये कि एनवायरनमेंट, ये मतलब एक जैसा एक ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, इससे क्या आपस इस, अब ह्यूमन फैक्टर्स जो है ना वो बेसिकली यही है कि एक अभी मतलब पूरे लेक्चर में हम ये देखते हैं, इसमें बेसिकली ये कि टूल्स एंड इक्विपमेंट वगैरह यूज करने में कोई गलती तो नहीं हो रही किसी ह्यूमन से, ठीक है, तो ये चीज हम देखेंगे ह्यूमन फैक्टर्स में, ठीक है। अब देखते हैं एक एक करके डिटेल से देखते हैं बेसिकली कि एक ह्यूमन फैक्टर्स क्या है जिनकी वजह से एरर वगैरह हो सकता है, ठीक है। अब देखो ह्यूमन फैक्टर एक्सपर्ट्स, ठीक है, अब ह्यूमन फैक्टर एक्सपर्ट्स कौन है? अब ये बेसिकली क्या करते हैं कि ये इम्प्रूवमेंट्स करते हैं कि वर्क प्लेस में ऐसी क्या इम्प्रूवमेंट होगी जिससे एरर के या नेग्लिजेंस के चांसेस कम हो जाए, या उसके अलावा ये है कि इक्विपमेंट जो है उसमें कोई ऐसी गलती वगैरह ना हो कि जिसकी वजह से कोई एरर वगैरह आ जाए, ठीक है। और ये कि ह्यूमन फैक्टर एक्सपर्ट्स क्या करते हैं कि बेसिकली वो वर्कर्स के लिए आसानी कर देते हैं कि वो सही तरीके से काम कर सके, ठीक है, और ये कि एरर्स वगैरह जो है उनका लाइकलीहुड कम हो, ठीक है, कि बेसिकली जो ह्यूमन फैक्टर एक्सपर्ट्स हैं वो क्या करेंगे कि वो वर्क प्लेस पे इम्प्रूवमेंट्स लेके आएंगे कि ताकि एरर का चांस कम हो जाए वर्क प्लेस पे, मतलब बेसिकली ये कि इक्विपमेंट वगैरह में कोई एरर के चांसेस ना हो, या ये कि ह्यूमन कैपेबिलिटीज, अब बेसिकली जो आगे हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो ह्यूमन एरर के चांसेस तब होते हैं जब एक ह्यूमन जो है वो फटीग्ड हो या स्ट्रेस्ड आउट हो, वो हम आगे एक एक करके फैक्टर्स वगैरह देखते हैं, लेकिन बेसिकली ये करना ह्यूमन फैक्टर एक्सपर्ट्स जो है वो ये डिक्रीज द लाइकलीहुड ऑफ एरर्स रखते हैं कि बेसिकली वो डिक्रीज करते हैं लाइकलीहुड को कि एरर जो है कम से कम हो, ठीक है, और ये कि ये वर्कर्स के लिए इजियर हो कि वो सही तरह से काम कर सकें, उनके लिए एरर करने के चांसेस कम हो, ठीक है। अब वो हम देखते हैं कि क्या है बेसिकली। अच्छा अब ह्यूमन फैक्टर एक्सपर्ट्स हेल्प मेक इट इजियर फॉर द वाइडेस्ट रेंज ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स टू परफॉर्म एट देयर बेस्ट व्हाइल केयरिंग फॉर पेशेंट्स, ठीक है। दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज द गोल ऑफ गुड ह्यूमन फैक्टर डिजाइन इज टू अकोमोडेट ऑल द यूजर्स, दिस मीन्स नॉट जस्ट थिंकिंग अबाउट डिजाइन इशूज एज दो द टास्क कैन बी। अच्छा बेसिकली इसमें ये चीज है कि आपने देखो ह्यूमन फैक्टर्स में एक ये चीज भी आ जाती है कि जिस तरह एज अ ह्यूमन बीइंग अगर आप देखो कि अगर एक बंदा जो है उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर है, लाइक इस तरह एक डॉक्टर पे बहुत सारे पेशेंट्स आ गए एक दिन में, तो ऑब्वियसली वो फटीग्ड हो जाएगा, स्ट्रेस्ड आउट हो जाएगा, और उसका आउटपुट वैसा नहीं होगा जैसा वो दे सकता है। अगर जिस तरह हमने लास्ट टाइम भी ये बात की थी कि फॉर एग्जांपल जिस तरह गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह में आप जब जाते हो तो एक डॉक्टर होता है और इतने 100 मरीज होते हैं, अब ऑब्वियसली वही डॉक्टर जब मुसलसल, इवन आप अपनी एग्जाम्पल ले लो, जब आप एक ही काम मुसलसल कर रहे होते हो तो आप में उसमें एरर करने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि एक ही आप चीज में लगे हुए हो। तो हमने ये देखा कि किस तरह इस चीज को हम कम कर सके कि ह्यूमन फैक्टर्स के, मतलब एक बंदा जो है वो स्ट्रेस भी ना हो, फटीग भी ना हो, और वो सही तरह से परफॉर्मेंस भी अच्छी दे सके, ठीक है। और इसके अलावा ये है कि सिर्फ ह्यूमन फैक्टर्स में ये है कि सिस्टम वगैरह को भी देखना है हमने कि मतलब कोई इक्विपमेंट में तो नहीं कोई ऐसी फॉल्ट आ रही, और ये एरर के चांसेस जो है वो कम से कम हो, ठीक है। अब इस हॉस्पिटल वगैरह में
तो उससे इक्विपमेंट वगैरह भी यूज करनी होती है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल कोई भी इक्विपमेंट, जिस तरह आप ये देखो कि जिस तरह आप लोग अपनी एग्जाम्पल ले लो, आप लोग क्या क्या करते हो, मतलब क्या प्रैक्टिकली क्या क्या करते हो जो न्यूट्रिशनिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट है? मैम इमेजिन करते हैं, इमेजिन करते हैं कि पेशेंट आया हमारे पास. बस क्या इमेजिन करते हो आप जब क्लिनिक, क्या मतलब बेटा? जिस तरह देखो आप, जिस तरह मैं अपनी जो एक एग्जांपल ले लेती हूँ, जिस तरह मैं एक डेंटिस्ट हूँ, ठीक है. अब मैंने जाके ऑब्वियसली सारी वो स्केलिंग के लिए स्केलर यूज करना है, या ये अब देखो, अब अगर फॉर एग्जाम्पल आप देखो स्केलर अगर स्टेरिलाइज ही ना हो तो आप खुद ही सोचो कि कितना, या जिस तरह मैंने जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह यूज करने हैं. अब देखो ह्यूमन फैक्टर्स में ये भी चीज आ जाती है कि मेरा ऑब्वियसली मैं अगर जाके किसी का कोई इलाज करूंगी दांतों का, तो मेरे मशीनरी के साथ भी मेरा इंटरेक्शन होगा. ऑब्वियसली स्केलिंग के लिए स्केलर यूज करूंगी या रूट कैनाल के लिए भी यूज करूंगी. तो उसमें ये है कि बेसिकली ह्यूमन फैक्टर्स में अगर हम ब्रॉडर सेंस में देखें तो उसमें ये चीज भी आ जाती है कि एक तो अपना ह्यूमन का भी कि वो कितना स्ट्रेस्ड आउट है, और ये चीजें भी आ जाती है, लेकिन एक इक्विपमेंट के साथ उसका कैसे वो हैंडलिंग वगैरह कर, ठीक है, ये भी ह्यूमन फैक्टर्स में आता है, ठीक है. अच्छा नोट दैट ह्यूमन फैक्टर्स इज नॉट, अच्छा ये बच्चा जो कह रहा था कि इमेजिन करेंगे, मुझे उसकी बात की समझ नहीं आई. बेटा आप क्या बताना चाह रहे थे? मैम हमारे पास पेशेंट आते नहीं है, हमें जब भी सिनेरियो देते हैं तो कहते हैं इमेजिन कर लें, तो मैंने आपको वही कहा है कि हम लोग बस इमेजिन करते हैं. नहीं चलो कल तो इंशाल्लाह ताला जब जाओगे क्लिनिक में तो इमेजिन नहीं करोगे, असल में ह्यूमन मतलब असल में बनेंगे. चलो इंशाल्लाह ताला कोरोना खत्म होगा तो कर ही लोगे ना प्रैक्टिस, अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह. अच्छा अब इसमें ये है कि देखो ह्यूमन फैक्टर्स जो है वो बेसिकली यही बता रहे हैं कि ह्यूमन फैक्टर्स जो है वो अब सिर्फ उसमें ये, जैसा कि इसके नाम में तो सिर्फ ह्यूमन आ रहा है, ठीक है, उससे ये पता लगता है कि एक ह्यूमन जो है उसका क्या, लेकिन ओवरऑल इसमें सारी चीजें आ जाती हैं कि मतलब एक ह्यूमन की अपनी लिमिटेशंस तो आ ही जाती हैं कि मतलब वो एक बंदा जो है वो थक रहा है या फटीग्ड हो रहा है, लेकिन उसके अलावा ये भी चीज आ जाती है कि वो मशीनरी वो इक्विपमेंट को कैसे यूज कर रहा है, ठीक है, ये भी ह्यूमन फैक्टर्स में ही आता है कि जब जैसे अगर वो इक्विपमेंट ही सही तरह से यूज नहीं कर रहा तो ऑब्वियसली पेशेंट सही तरह से आप उसको ट्रीट ही नहीं कर रहे हो, ठीक है. और दूसरी बात ये है कि इसपे उसका अपना स्किल वगैरह भी आ जाता है, अपना नॉलेज भी आ जाता है ह्यूमन फैक्टर्स में. जिस तरह एक डॉक्टर है उसका नॉलेज कितना है अपने उसके बारे में, अपने प्रोफेशन के बारे में, वो भी जरूरी है. या उसके अलावा उसका स्किल, देखो स्किल अगर उसका हाथ अच्छा होगा, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह अगर अगर डेंटिस्ट है या फिजियोथेरेपी वाले भी आप लोग मशीनरी वगैरह यूज करते हो ना मशीनरी यूज, हाँ, तो उसमें ये है कि आपको वो मशीनरी यूज भी करनी. ह्यूमन फैक्टर्स में आपने सिर्फ ये नहीं सोचना कि एक बंदे का ही सोचना है कि वो स्ट्रेस, इसमें ये है कि आपका इक्विपमेंट से किस तरह का रिलेशन है, ये चीज भी आ जाती है, ठीक है, कि आपने जिस तरह अगर वर्क प्लेस पे जाना है तो आपने इक्विपमेंट किस तरह यूज करनी है, और ये कि जिस तरह अगर टीम वर्क है तो आप उसमें कैसे स्टैंड आउट कर रहे हो अपनी टीम वर्क में, ठीक है. ठीक है यहाँ तक समझ आई है या नहीं? इक्विपमेंट वगैरह में इम्प्रूवमेंट लेके आते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल देखो अगर कहीं पे कोई मशीनरी लगी हुई है तो अगर उसके साथ हल्का सा नोट या डायग्राम सी बनी हो कि आपने इस तरह यूज करना है तो उसमें आपको कितनी आसानी हो जाएगी, इवन डॉक्टर को भी, क्योंकि अक्सर ये होता है कि आप जाते हो जब क्लिनिक्स वगैरह में या इस तरह तो आपको आता तो होता है, लेकिन अगर साथ कोई सोचो फ्लो चार्ट वगैरह लगा दे तो कितनी आसानी हो जाए, बंदे को रिवाइज हो जाता है कि किस तरह यूज करनी है, ठीक है. तो उसमें ये कि ये कोशिश करनी है कि हर मतलब अगर क्लिनिकल मतलब ये कि ये बेसिकली जो ह्यूमन फैक्टर एक्सपर्ट्स है उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि वो आसानी करे जो वहां पे हेल्थ केयर वर्कर है उसके लिए, चाहे फ्लो चार्ट वगैरह लगा दें या ये कि जिससे एरर के चांसेस मिनिमम हो जाए, ठीक है. आप देखो वैसे ये होता भी है कि हर मशीनरी के ऊपर कुछ ना कुछ लिखी होती है गाइडलाइंस या कोई स्टेप्स वगैरह लिखे होते हैं, वो इसीलिए होते हैं कि ताकि पेशेंट पे जो है वो बंदा, एक तो बंदे में कॉन्फिडेंस आ जाता है जब बंदा देखता है कि अच्छा इसको इस तरह यूज करना है, और ठीक है. अच्छा अब ह्यूमन कौन बताएगा अभी तक मैंने क्या बताया? आयजा हाशमी बेटा आप बताओ. आयजा यस मैम
हाँ बताओ ना अभी तक क्या बताया बेटा आयजा। किधर गई हो आयजा? मैं बताऊं आयजा कहाँ गई हो? मुझे लगता है शायद इंटरनेट का इशू है क्योंकि अनम्यूट हुई भी है लेकिन उसका। लाइबा सर फराज बेटे आप बताओ। लाइबा सर फराज, लाइबा बेटे आप बताओ। आयजा का तो असल में इंटरनेट का इशू है क्योंकि उसका अनम्यूट हुआ है लेकिन उससे आवाज नहीं आ रही। लाइबा सर फराज बेटे आप बताओ अभी तक मैंने क्या बताया? लाइबा सरफराज मुझे लग रहा है साथ साथ में काम शाम कर रही होगी लाइबा इसको। लाइबा अच्छा एक सेकेंड, जिन बच्चों को आता उनसे नहीं मैंने पूछा। हाँ तो लाइबा नहीं ना मुझे मतलब लाइबा अनम्यूट भी नहीं। लाइबा सर फराज बेटा आपकी मैंने अटेंडेंस नहीं मार्क करनी अगर आप नहीं बताओगे। आयजा का तो इशू है उसके असल में उसका अनम्यूट हुआ। अच्छा महामुनीर रवान, अच्छा ये भी मेरी स्टूडेंट थी महामुनीर। आधे बच्चे लगता है बीच में सो रहे हैं। मैं बताऊं ये कौन बोल रहा है? आयशा। आयशा आयशा सुमैया? यस मैम। नहीं आयशा आपको आता है? ओके मैम। रीबा से आप बताओ। चलो बेटे आप बताओ आपका क्या नाम है भला? चलो हिफ्सा बताने लगी है बच्चों। हिफ्सा इधर आई हुई है ना हमारे पास। हिफ्सा आप बताओ अभी तक मैंने क्या बताया? और उसके अलावा ह्यूमन आप अफीफा सजाद बेटे आप बताओ कि ह्यूमन फैक्टर्स हैं क्या? मतलब क्या है ह्यूमन फैक्टर्स? अफीफा सजाद बेटे आप बताओ कि मतलब ह्यूमन फैक्टर्स में सिर्फ एक ह्यूमन से रिलेटेड बात होगी या ये भी कि इक्विपमेंट कैसे यूज करें वो भी चीज होगी? अफीफा सजाद किधर हो? अफीफा सजाद ये जो बच्चे बच्चे आंसर नहीं ना करे इनके मैंने अटेंडेंस ही लगानी। मैं बताऊं? मैं कौन महद महमूद मैम। हाँ चलो महद महद बता रहे, वेरी गुड महद चलो बताओ। मैम इसके अंदर है कि जो चीजें हैं जो इक्विपमेंट्स हैं उनको स्टरलाइज किया जाए और इसके अलावा जो ह्यूमन एरर जो मतलब जो मतलब वर्किंग में सारे टीम वर्क में मतलब काम कर रहे हैं तो उनसे कोई मिस्टेक्स ना किए जाएं, एक थ्रू प्रॉपर चैनल चला जाए और इसके मतलब एरर्स जितने कम हो सकें और पेशेंट को जितना हम मतलब उसको हम रिलीफ दे सकें। हमने पहले मतलब उसकी हिस्ट्री वगैरह लेके मतलब उस पे फिर बाद में जब हम करेंगे टीम वर्क करेंगे उनको भी पहले हम प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देंगे कि इक्विपमेंट्स वगैरह स्टरलाइज हैं या नहीं है। और दूसरी मिसाल मैं ये देना चाहूंगा कि जैसे कोई डेंटिस्ट है, मैं डेंटिस्ट की मिसाल दूंगा कि अगर किसी के दांत खराब है लेकिन उसने जो इन्फेक्टेड दांत निकालने के बजाय साथ वाला दांत निकाल दिया है और इक्विपमेंट्स भी मतलब स्टरलाइज नहीं है तो उसके वहाँ पे बैक्टीरिया वहाँ पे ग्रो कर सकते हैं जिसकी वजह से वो एक ह्यूमन एरर है। इसको हम ह्यूमन एरर कहेंगे और इन नेग्लिजेंसी जो हमारे साथ वर्कर्स होते हैं या किसी को आप सिखा रहे हो साथ में काम सिखा रहे हो अगर आपने उससे पूछा नहीं है या वो भूल गया है तो लेकिन ये तो डॉक्टर का काम ही होता है कि पहले एक दफा कंफर्म कर लिया जाए पूरे अपनी टीम से कि सारा कुछ ओके है सारी चीजों को वो खुद देखे उसको मैनेज करे तो इसी को हम मतलब ह्यूमन एरर वगैरह में इंक्लूड करेंगे।
वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया माफ़त ने, साथ एग्जांपल्स भी दिए कि असल में देखो ना, ये एक इंसान की अपनी नेग्लिजेंस है कि अगर उसने निकालना कोई और था और निकाल वो दिया. देखो एक तो निकालने वाला दान भी खराब है और जो निकाल दिया वो बेचारा मुफ्त में चला गया. ठीक है, तो उसमें यही है कि ह्यूमन एरर है उसमें भी. एक जी बेटा जी जी मैम, इसमें क्लिनिकल प्रैक्टिस अगर ना हो ज्यादा, मतलब जिस तरह से आपका पूरा फोकस आपकी डिग्री में सिर्फ वो थ्योरी की तरफ और आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, उसकी वजह से भी तो एरर्स आ सकते हैं ना. मतलब कैसे, एग्जांपल कोई दो मैम. जिस तरह से लेट्स सपोज हम लोग न्यूट्रिशनिस्ट है, हम लोग थ्रू आउट 5 years सिर्फ अपनी थ्योरी पे अपने सब्जेक्ट्स पे ध्यान दें और क्लिनिकल प्रैक्टिस की तरफ ना जाएं, और डिग्री कंप्लीट होते हम किसी क्लिनिक में बैठ जाएं, तो हमारा वो एक्सपीरियंस नहीं आएगा जो एक मतलब जिसने साथ इंटर्नशिप्स की होंगी या सीखा होगा, वो वाली चीजें हम लोगों में नहीं आ सकेगी. हाँ, कि फॉर एग्जाम्पल वो ये कह रही है कि प्रैक्टिस पहले किसी के साथ करना. आप ही कह रही हो कि मतलब ये कि आपने पढ़ने के फौरन बाद आप पहले किसी के साथ लगो, ये बात कर रही हो. मतलब किसी के सुपरविजन में आप पेशेंट्स को देखें, थोड़ा सा सीखें, उसके बाद आप डाइटिंग डील करना शुरू करें. यस मैम. हाँ, बेसिकली उसमें यही है कि बेसिकली प्रैक्टिस कराना मेरे ख्याल से थ्योरी से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि प्रैक्टिकली आप लोगों को पेशेंट देखना सिखाएं. क्योंकि ये होता है कि ज्यादातर आप ये अक्सर ये होते हैं कि जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत मतलब टॉपर्स होते हैं, लेकिन जब वो प्रैक्टिकली क्लिनिक में जाते हैं तो वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते. और कुछ लोग इवन मेरी अपनी क्लास में जो लड़के इतने नालायक थे वो माशाल्लाह जितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि वो उनका क्लिनिकल स्किल ज्यादा अच्छा लड़कों का, पता नहीं लड़कों का. तो आप बेसिकली यही बात, ये बात बिल्कुल ठीक है कि ऑब्वियसली आप बुकिश नॉलेज से जो है ना, अगर आप चले जाते हो बुकिश नॉलेज के साथ क्लिनिक में तो वो चीज़ आपके फायदा मंद नहीं, उसमें एरर के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं. क्योंकि ऐसे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो बिल्कुल बुक में नहीं अक्सर पेशेंट दिए हुए, मतलब ये कि आपके पास किसी तरह का भी केस उठ के आ सकता है जो बुक में ना दिया. और ये कौन अभी बता रहा था, मुझे अपना नाम बताओ बेटा, अभी किसने बताया है? मैम आयशा. हाँ आयशा, आप यही कह रही हो ना कि मतलब आप ये कहना चाह रही हो कि सिर्फ बुक से पढ़ के आप क्लिनिकल नहीं कर सकते तो एरर के चांसेस ज्यादा होते हैं, ये कह रही हो ना? यस मैम. हाँ बिल्कुल. आयशा सुमैया, आयशा सुमैया हो? यस मैम. ठीक है आयशा. हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है. अच्छा अब इसके बाद अब हम आते हैं इंडिविजुअल फैक्टर्स पे. ठीक है, अब देखो इसमें इंडिविजुअल फैक्टर्स जो कि अब इंडिविजुअल फैक्टर्स से क्या चीज समझ आती है कि एक इंडिविजुअल की ऐसी क्या चीज हो सकती है जो कि उसको प्रीडिस्पोज करे एरर्स की तरफ. अब देखो दो फैक्टर्स जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक इंडिविजुअल फैक्टर्स में, वो है फटीग और स्ट्रेस. ठीक है, ऑब्वियसली जिस तरह हमने ये बात की है कि जब एक बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रेस मतलब फटीग दो और मुसलसल उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर है किसी भी लिहाज से, तो उसमें ये होगा कि ऑब्वियसली आर्तिका मुमताज, कोई क्वेश्चन है आपका बेटे? जी मैम. मैम एक्चुअली हम लोग ना यूनिवर्सिटी आए थे क्लास लेने, लेकिन हमें पता नहीं था क्लास किधर है, तो हम आईपीसी में थे, इधर हमें आवाज ही नहीं आ रही सही से, तो आप बता दें क्लास किधर है, हम क्लास में आ जाएंगे. कौन सा क्लासरूम ये? 103 है ना? हाँ SHS 103 है बेटा, बेसमेंट में आ जाओ. वैक्सीनेशन लगवाई हुई है ना, ये बताओ वैक्सीनेशन के बगैर ना आना. आई होप लगवाई हुई होगी. अच्छा आप उसमें देखो कि बेसिकली एक बंदा वही जिस तरह हमने बात की है कि अगर वो बहुत ज्यादा फटीक में मतलब अब उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर है पेशेंट्स वगैरह का, और उसमें ये है कि बहुत ज्यादा उसके प्रोलॉन्ग वर्किंग आवर है, तो ऑब्वियसली उससे ये होगा कि उसकी परफॉर्मेंस एक तो नहीं इतनी अच्छी होगी और बहुत ज्यादा चांसेस है कि उसे एरर हो जाए. अब इसमें बेसिकली ये बात बताई हुई है कि ये एक प्रोलॉन्ग वर्क से इतना अफेक्ट हो जाता है कि जिस तरह एक ब्लड में अल्कोहल लेवल 0.05, मतलब आप ये देखो कि जब एक बंदा मुसलसल काम करता रहता है ना तो वो इतना ज्यादा डेट्रीमेंटल हो सकता है अपने क्लिनिक वगैरह के लिए कि जितना एक बंदा जिसने अल्कोहल लिए. अब इस तरह किस तरह के बेसिकली उसमें ये है कि ऑब्वियसली जब आपकी परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा अफेक्ट पड़ता है, जब आप में बहुत ज्यादा प्रेशर, इवन आप अपनी डेली लाइफ में भी देख लो कि जब आप पे बहुत ज्यादा आप सारे दिन से काम कर रहे हो तो शाम को एक टाइम आता है कि आपको लगता है आपकी हिम्मत बिल्कुल खत्म हो गई, ऐसा होता है ना. तब ये डॉक्टर भी इंसान है, उसको भी आप इंसान समझो. उसमें यही है कि आप इतना ज्यादा एक बंदे की वर्कलोड आप डिवाइड कर लो कि आपके जितने क्लिनिक में बंदे हैं आप उनमें वर्कलोड डिवाइड कर लो, या जिस तरह गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो उसमें यह है कि आप अपना वर्कलोड डिवाइड कर लें कि ताकि एरर के चांसेस बहुत कम हो. तो इंडिविजुअल फैक्टर्स में जो दो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है फटीक और स्ट्रेस. ठीक है, इसको आप अपने जेहन में रखें. ठीक है,
अभी आगे जिस तरह फ्लो चार्ट इन्होंने बताया है, अब इसमें भी यही चीज ये है कि स्ट्रेस और परफॉर्मेंस का यही है कि आप ये देखो कि जैसे जैसे जो है, जैसे जैसे स्ट्रेस जो है वो ज्यादा या फटीक जो है वो डॉक्टर ज्यादा कर रहा है, वैसे ही उसकी परफॉर्मेंस देखो कम होती जा रही है कि वो एग्जॉस्टेड हो गया है और एक टाइम आ गया जब उसका ब्रेक डाउन का पॉइंट है। कि बेसिकली ये है कि आपने ये है कि आप ये भी कर सकते हो कि अगर जिस तरह डॉक्टर काम कर रहे हैं तो उसको बीच में ब्रेक दे दो थोड़ी सी, कि ताकि जब वो आप देखो आप ब्रेक के बाद जब दोबारा से आते हो तो आप बहुत अच्छे तरीके से दोबारा से काम करना स्टार्ट कर देते हो। तो ये है कि स्ट्रेस चीज को आपने स्ट्रेस को बहुत ज्यादा जो है वो जहन में रखना है कि जिस पे जितना ज्यादा स्ट्रेस मैनेजमेंट करनी है। ठीक है कि आप जो जितना ज्यादा मैनेज करोगे स्ट्रेस को या जितना एक डॉक्टर को थोड़ा सा ये दोगे कि उसमें कम स्ट्रेस या कम फटीक वो होगा, जितनी कम फटीक वगैरह होगी उसमें उतना ही वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ये तो एक कॉमन सेंस की बात है, इवन डॉक्टर नहीं कोई भी प्रोफेशन आप ले लो। हाँ जी वेरी गुड, बिल्कुल ज्यादा लोग आते हैं, बिल्कुल डॉक्टर्स भी ज्यादा, वेरी गुड। उसमें यही बात है कि जिस तरह अभी इन्होंने बताया, आपका क्या नाम है, जारा और आपका हिफ्सा है ना। अच्छा जारा जो है, जिस तरह जारा की बात समझ आई है आप लोगों को, जारा कहती है कि जारा जैसे बहुत बड़ी राइटर हो गई, जारा कह रही है कि अगर आप ये देख लो कि किस डिपार्टमेंट में ज्यादा काम है, जिस तरह हॉस्पिटल्स में भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो आप देख लो जिस डिपार्टमेंट में ज्यादा काम है आप वहां पे ज्यादा डॉक्टर्स एलोकेट कर दो। तो ये बेसिकली होता है कि आप ये देखो कि इस तरह परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी, या आप इवन अपने उसमें देख लो कि जिस तरह जहाँ पे ज्यादा वर्कलोड हो वहां पे आप ज्यादा अपने डॉक्टर्स हायर कर लें, बजाय इसके कि एक ही डॉक्टर आपने हायर करना और वो बेचारा थक जाए। ठीक है, तो इससे ऑब्वियसली एरर के चांसेस ज्यादा होंगे। अच्छा सेल्फ चेकलिस्ट, ठीक है, अब बेसिकली ना सेल्फ चेकलिस्ट का मतलब है कि एक इंसान खुद ये डिटरमिन करे कि मतलब मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ, कि मतलब मैं अपनी मैं किस तरह, आप जिस तरह ये एक है आई एम सेफ, कि इलनेस मेडिकेशन स्ट्रेस एल्कोहल फटीग इमोशन। अब ये बेसिकली ये जो था ना सेल्फ चेकलिस्ट, ये एविएशन इंडस्ट्री में डेवलप हुई थी, और इसमें ये है कि आपने बेसिकली जब आप ये आप इवन आप एक वर्क प्लेस में अगर एंटर हो रहे हैं तो आप खुद से असेस करें कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, कि जिस तरह आपके अंदर इन सारे फैक्टर्स में से कोई फैक्टर तो नहीं है, लाइक आप बीमार तो नहीं फील करें। ऑब्वियसली जब आप ये देखो कि आप अगर आपको खुद अपना आप ही बीमार फील हो रहा है तो आप जाके क्या ट्रीट करोगे, तो आप अपनी सेल्फ असेसमेंट करो। तो ये बेसिकली सेल्फ चेकलिस्ट है। ठीक है, ये आप एक्रोनिम याद कर लेना, आई एम सेफ, पता नहीं। अच्छा इसमें ये कि अच्छा अब देखो अब आप कब ज्यादा रिस्क में हो एरर कंडक्ट करने में, या तो आपको भूख लगी हो या आप एंग्री हैं लेट और हॉल्ट। आप याद रखो कि फॉर एग्जाम्पल देखो आप ही खुद देखो कि जब आपको भूख लगी हुई होती है तो आपको ऐसे फील हो रहा होता है आप कोई काम सही से नहीं कर पा रहे होते, आपका इवन मूड भी चेंज हो जाता है जब आप हंग्री होते हैं तो, और एंग्री और ये ऑब्वियसली गुस्सा जब आया हो तो भी मेरे ख्याल से गुरेज ही करना चाहिए, क्योंकि गुस्से में तो बंदे को ऐसे ही उल्टा सीधा ही ना कर दे। लेट और टायर्ड, और ये कि आप खुद ही असेस कर लो, आप ये देखो कि अगर आपको लग रहा है आप थके थके हो तो आप एक्सक्यूज कर लो, बजाय इसके आप पेशेंट्स में जो है उनसे बस जान छुड़ाने की करो कि जी पेशेंट्स आते जाए मैं चेक करता रहा हूँ। तो ये कि आप खुद अपना असेस करो कि अगर ये चीजें हैं तो फिर आप खुद उनसे बात कर लो, वहाँ की मैनेजमेंट से बात कर लो कि बस अब मैं थक गया मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता, या आप खुद कह दो कि मैं ये वर्क लोड ज्यादा। ठीक है, अब एरर जी हाँ जी खुद भी स्ट्रेस में अगर होंगे तो ऑब्वियसली पेशेंट को भी स्ट्रेस ज्यादा होगा। अच्छा अब एरर क्या होता है, एरर बेसिकली अब एरर और एक और चीज होती है वॉयलेशन। ठीक है, अब देखो इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि एरर जो होता है ना वो इंसान से अनइंटेंशनली हो जाता है, कि मतलब बंदा जो है वो सही चीज करना चाह रहा होता है और उससे एरर अगर हो जाए, मतलब उससे कोई चीज गलत हो जाए लेकिन उसका अपना मतलब उसके अपना ये इंटेंशन ना हो, अनइंटेंशनल होता है एरर। और जबकि अगर हम वॉयलेशन की बात करें तो वॉयलेशन जो होता है वो इंटेंशनली आप कर रहे होते हो किसी भी प्रोटोकॉल में या किसी भी स्टैंडर्ड ऑफ केयर में। फॉर एग्जांपल आप इस तरह वॉयलेशन कर रहे हो कि आपने कॉन्फिडेंशियल आपने पेशेंट जो है उससे कंसेंट ही नहीं लिया और आप उसका प्रोसीजर करना स्टार्ट कर रहे हो, अब आपने खुद ही वॉयलेट किया है। एक जब है कि आपने पेशेंट से इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना है हर हाल में, उससे पूछते हैं कि मैं आपका प्रोसीजर कर लूँ या नहीं, तो ये अब वॉयलेशन है कि जो आपने इंटेंशनली गलत किया है। ठीक है, और एरर क्या है कि आपने बेसिकली आप गलत करना नहीं चाह रहे थे लेकिन कुछ फैक्टर्स की वजह से, क्या पता
जिस तरह हम ये बात करते हैं ह्यूमन फैक्टर्स और ये क्या फटीग्ड है या स्ट्रेस्ड है, तो वो आपसे गलती से एक चीज हो गई है. तो एरर जो है वो अनइंटेंशनली होता है और वॉयलेशन जो है वो इंटेंशनली होती है. ये इनका मेन डिफरेंस है. ठीक है मैम, एक चीज बता सकती हूँ? जब हमारे पीटी वन के ना पेपर में क्वेश्चन था, आपको पता है वो एस्थमा के पेशेंट को बीटा ब्लॉकर्स नहीं देते. किनको? तो मैम नर्सिंग के एस्थमा के पेशेंट को बीटा ब्लॉकर्स नहीं देते जो लोग. क्लिनिकल सिनेरियो कुछ इस तरह का था कि मैम आपको पता है नर्सेस को ये सारा का सारा प्रोटोकॉल समझाया जाता है कि क्या किसको देनी है क्या किसको नहीं देनी मेडिसिन ना. तो अगर एक नर्स किसी एस्थमा के पेशेंट को देते देते बीटा ब्लॉकर रह गई है, यानी देने वाली थी बट डॉक्टर ने उसको फाइंड कर लिया और रोक दिया, तो मैम क्या होगा? ये नेग्लिजेंस एरर या वॉयलेशन? क्योंकि मैम साथ उसके लिखा हुआ था कि उसको प्रोटोकॉल थोड़ा मतलब नर्सेस आर सपोज टू रीड द प्रोटोकॉल, तो मैम ये वॉयलेशन हुई या एरर हुआ? अगर वो बीटा ब्लॉकर दे रही थी पेशेंट को जबकि बीटा 2 एगोनिस्ट देते हैं तो बेटा मेरे मुझे तो ये वॉयलेशन लग रही है. क्या आंसर? वॉयलेशन है ना, मतलब उसको पता नहीं था बट मैम उसके उसके प्रोटोकॉल में मैम नर्सेस के लिखा होता है कि आपने ये ध्यान रखा है किसको देनी है. एरर नहीं है ये, मुझे तो ये वॉयलेशन लग रही है क्योंकि इतनी सेंस. मैम वॉयलेशन कैसे होगा? क्या वो पेशेंट उसकी सास थी? उसको नर्स को पता ही होगा कि बीटा 2 एगोनिस्ट देते हैं, मतलब नर्सेस को मेरे ख्याल से काफी पता ही होता है. यस मैम नेग्लिजेंट हो सकता है. आप लोगों ने क्या किया? वॉयलेशन का नेग्लिजेंस लग रहा है. यस मैम नेग्लिजेंस. उस टाइम जब कोई भी नर्स जान बूझ के तो मेरा नहीं ख्याल ये करेगी कि अगर उसको पता हो और वो मे बी उसके जहन से बात निकल गई हो. यस मैम और बहुत सारे पेशेंट होने की वजह से भी हो सकता है. आप नेग्लिजेंस की अगर थी, अगर तो सिर्फ वॉयलेशन और एरर की ऑप्शन थी तो फिर वॉयलेशन है, लेकिन अगर नेग्लिजेंस थी तो मेरे ख्याल से नेग्लिजेंस इसका सबसे बेस्ट आंसर है. आप जल्दी में भी कर सकते हैं लाइक जिस तरह बीटा ब्लॉकर्स भी काफी चीजों में यूज होते हैं ना, तो ना गलती से बीटा, लेकिन वैसे बीटा 2 एगोनिस्ट यूज होता है तमाम में तो लाइक जो ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं. हाँ तो ये मैं नेग्लिजेंस ही होगी. लो मुझे मेरा एग्जाम होना शुरू हो गया पेशेंट सेफ्टी वन का, ये नेग्लिजेंस होगी मेरे ख्याल से. अच्छा अब वॉयलेशन, अब देखो वॉयलेशन तो ये है ना कि जिस तरह फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर एक प्रोसीजर स्टार्ट करने लगे और उसने इन्फॉर्म कंसेंट नहीं दिया सिर्फ इस वजह से कि उसे लगे कि नहीं मैं जल्दी जल्दी काम कर लूँ, तो ये वॉयलेशन है. या फॉर एग्जाम्पल उसने पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी जो उसको रखनी चाहिए थी वो नहीं रखी, उसकी इन्फॉर्मेशन शेयर करती है विदाउट एनी रीजन, दैट इज वॉयलेशन. कि वो जानबूझ के डॉक्टर ने गलत काम किया है वो वॉयलेशन होगा. लेकिन जो ये आप नर्स वाली एग्जांपल दे रहे हो, मे बी नर्स के पास बहुत सारे पेशेंट्स हो उस टाइम पे, और ये कि नर्सेस पे अक्सर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है. आप हॉस्पिटल में जाओ बेचारियां बिल्कुल, हाँ नर्सेस का बल्कि ज्यादा, जो जितना नीचे वाले उसमें होते हैं उसमें उतनी ज्यादा वो होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है. ठीक है तो वो ये कि अगर नेग्लिजेंस की अगर ऑप्शन है तो वो नेग्लिजेंस ही है बेटा. वॉयलेशन तो ये कि डॉक्टर ने जानबूझ के एक चीज की है, लाइक जिस तरह मैंने आपको इन्फॉर्म कंसेंट या कॉन्फिडेंशियलिटी की एग्जांपल दी है कि डॉक्टर ने कहा कि चलो मैं जल्दी जल्दी प्रोसीजर कर लेता हूँ, तो मैंने क्या इसे कंसेंट लेना है जी पेशेंट, वो पेशेंट से इससे क्या पूछूं, चलो जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, दैट इज वॉयलेशन जो कि उसने खुद की है. ठीक है कि किस बच्ची ने क्वेश्चन किया था मुझे साथ साथ अपने नाम भी बताओ मुझे. मैं पूछ रही थी शाइस्ता. आयशा देखा मैम शाइस्ता. चलो ठीक है शाइस्ता. अच्छा मुझे बताओ, अब मैं खुद पूछूंगी, अब मुझे बताएगी अरूबा. अरूबा बताएगी कि एरर और वॉयलेशन में क्या डिफरेंस है. मैम अरूबा शफी. हाँ अरूबा शफी. जो गलती से हो जाए किसी के साथ वो एरर होता है, उसे कुछ मेडिसिन का नहीं पता होगा तो इस देखा हुआ है.
फिजियो तो ऐसी मनहूस सिम थी मुझे कि मेरा एमफिल में भी माइनर था फिजियोलॉजी एनाटॉमी हेड एंड नेक मैं पढ़ा रही थी ना हाँ मैं चली गई थी वापस आ गई हूँ अच्छा ठीक है वायलेशन और एरर बेटा आपने समझ आ गई है ना पहले आप गलत बता रही थी yes, मैम आ गई जी जी मैम आ गई समझ चलो ठीक है अब व्हाट इज द सेंटिनल इवेंट ये मैंने लास्ट टाइम बताया था कौन बताएगा मैं बताऊं ये कौन मैं कौन है मतलब अपना नाम बताओ ये कौन बच्चा मैं अर्शद बात कर रहा हूँ अर्शद अर्शद बात कर रहा हूँ वो फोन में हम बात नहीं कर रहे अर्शद तो उससे मतलब के जो ट्रीटमेंट कर रहा है वो उससे गलत हो जाता है मीन्स के कोई मतलब एक चीज है इफेक्टेड जैसे डेंटल में होता है कि अगर उसने एक इफेक्टेड जो टीथ होता है उसको ट्रीट करना होता है तो उसकी जगह पे जो आप सारे डेंटल की एग्जांपल दे रहे हो मुझे उन्होंने निकाल देना उन्होंने कहने फिजियोथेरेपिस्ट और डेंटिस्ट्री का हाँ हाँ ठीक है बताओ अर्शद अर्शद हाँ हाँ वेरी गुड सही बता रहे थे बेटे मैम दूसरा ये होता है कि अगर हम कोई सर्जरी परफॉर्म कर रहे हो हाँ, अगर हम सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें ये होता है कि जब उसको मतलब कि बाजुकात होते हैं कि डॉक्टर उसके अंदर सीजर्स वगैरह भूल जाते हैं और उसको ऊपर से स्टिचेस लगा देते हैं तो ये हो जाता है और दूसरा ये होता है कि उससे जो होता है ना कि पेशेंट्स को डिफरेंट जो हार्म्स होते हैं वो होते हैं उससे कि अंदर जो टिश्यूज होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं और पेशेंट्स की डेथ हो जाती है वेरी गुड ठीक है बेसिकली वेरी गुड अब इसमें बेसिकली हमने जिस तरह लास्ट लेक्चर में भी शायद ये पढ़ा था है ना सेंटिनल इवेंट्स मैंने बढ़ाए थे ना लास्ट लेक्चर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर अटेंड किया था तीनों ने अच्छा एंड पे अटेंड किया था अब बेसिकली देखो सेंटिनल इवेंट ये होते हैं कि जो आप मैम जी बेटा मैम इसकी एक एग्जांपल मैं दूं हां हां क्या नाम है अपना नाम बताओ महद मैम महद महमूद हाँ महद महद महमूद आज बहुत ज्यादा बढ़ गया है हाँ बताओ महद मैम इसकी एक एग्जांपल आपने शायद लास्ट में भी बताई थी मैंने मैम पढ़ा तो नहीं है लेकिन मुझे याद है जो आपने लास्ट लेक्चर में बताया था वो ये था कि मैम अगर एक डॉक्टर ने किसी पेशेंट की करनी है सर्जरी करनी है लेकिन उसने एक तो पढ़ा भी नहीं है और नहीं मतलब पढ़ लिया है उसने लेकिन उसने उस पेशेंट की बजाय उसने किसी दूसरे पेशेंट की सर्जरी कर दी है और वो सर्जरी मतलब सही नहीं हुई है और मतलब उसका कुछ और प्रोसीजर था मतलब था दोनों का किडनी से रिलेटेड ही लेकिन एक का था कि लाइक एक का था कि मतलब किडनी में से स्टोन्स को रिमूव करना और एक का कोई और इशू था लेकिन उसने मतलब किडनी में से स्टोन्स रिमूव करने के बजाय उसने उसका मतलब कोई और प्रोसीजर कर दी है तो इसकी एक एग्जांपल जो मुझे जहां तक याद है आपने कुछ ऐसी बताई थी वेरी गुड इसमें बेसिकली यही है कि आपने इतना गलत काम कर दिया या फॉर एग्जांपल ये कि आपने जब डिस्चार्ज किया आपने अक्सर सुना होगा कि लोग ये कहते हैं कि आपने गलत बच्चा दे दिया गलत फैमिली को अभी कितनी बड़ी एक मिस्टेक है ठीक है कि जिस तरह फॉर एग्जांपल ये आम है गलती से अक्सर वैसे अल्लाह माफ करे ऐसे हो भी जाता है अल्लाह माफ करे बहुत बहुत कम मैम इसकी एक एग्जांपल ये भी तो हो सकती है ना कि हम अगर कहीं जाते हैं अपना ब्लड टेस्ट करवाने के लिए तो हमने अब एट ए टाइम दो लोगों ने या तीन लोगों ने वहां पे अपना ब्लड का सैंपल दिया तो जहाँ पे वो बंदा काम कर रहा है वो उसको क्या उसने वो गलत किसी पे लगा दिया उसका नाम की चिट जो होती है लगती है उसके ऊपर वो गलत भी तो लग सकती है ना किसी के ऊपर और वो किसी और को चली जाएगी मतलब कि जाहिर है जब रिपोर्ट्स आएंगे तो वो उसी से रिलेटेड आएंगे और उस बंदे को वो डिजीज भी नहीं है लेकिन उसमें वो डायग्नोस हो गया उसको उसी तरह से ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा अंटिल एंड अनलेस जब तक उसका नेक्स्ट नहीं कहीं से होता टेस्ट तो ये भी तो एक एरर इसमें आ ही सकता है बहुत ज्यादा ये बहुत बड़ा बहुत बड़ी गलती है कि आपने और फॉर एग्जांपल ये कि अगर देखो ब्लड ग्रुप आप किसी का गलत अगर आपने किसी और का ब्लड ग्रुप जो है वो उसका कर अब हिमोलिटिक अब देखो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में अगर आप गलत ब्लड ग्रुप किसी को दे दो तो फौरन बहुत फौरन इस बंदे में रिएक्शन वो फौरन ब्लू होना
मैम ये सब सिर्फ पाकिस्तान में होता है? हाँ पाकिस्तान में असल में बाहर के मुल्कों में बहुत ज्यादा एहतियात करते हैं क्योंकि वहाँ पे पेशेंट सू कर देते हैं डॉक्टर को, वहां पे अगर कोई गलती हो ना तो सू कर देते हैं। अब यही चीजें जाएगी सेंटिनल इवेंट्स है, और उसके अलावा यही कि जिस तरह रेप का जो है रेप वगैरह अगर हो जाए फॉर एग्जाम्पल पिछले दिनों भी, या सुसाइड, इस तरह की चीजें, तो ये सारे सेंटिनल इवेंट्स हैं। ठीक है मैम जी। मैम लास्ट टाइम भी जब हमने सेंटिनल इवेंट्स को पढ़ा था तो उसमें आपने सेंटिनल इवेंट्स की लिस्ट में ये लिखा हुआ था सुसाइड, तो मैम मुझे तब भी पूछना था, तो मैं आज पूछ रहा हूँ कि ये सुसाइड किस तरह से सेंटिनल इवेंट इस तरह मतलब बेटा कि फॉर एग्जांपल देखो उसमें ये है कि फॉर एग्जांपल देखो किसी बंदे को ना शिज़ोफ्रेनिया है, ठीक है, और आपने उसको किया हुआ एडमिट हॉस्पिटल में, ठीक है, आपने साइकी वार्ड में उसको एडमिट किया हुआ है। अब उसकी सिचुएशन अभी बेहतर नहीं हुई, अभी भी इस वक्त उसको शिज़ोफ्रेनिया, आपको पता है कि उसमें बार बार पेशेंट सुसाइड के अटेम्प्ट करता है, तो उसमें ये कि आपने उस पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया जबकि वो अब वो देखो घर जाके वो डिफरेंट तरह से सुसाइड करने की कोशिश करेगा, तो उसमें ये कि आपको उस पेशेंट को अगर किसी पेशेंट की मेंटल अगर शिज़ोफ्रेनिया है किसी को, या जिस तरह बायपोलर डिसऑर्डर चलो कर लेते हैं कि वो एक इस स्टेज पे है कि ऊपर उसकी इतनी बुरी हालत है कि वो सुसाइड करने के अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो ऐसे पेशेंट का आपने डिस्चार्ज ही क्यों किया? तो अगर आपने डिस्चार्ज करने के 72 आवर्स के विद इन 72 आवर्स एक दो दिन के अंदर अंदर वो सुसाइड कर लेते हैं, तो इसमें आपका कसूर है कि आपने ऐसे पेशेंट को डिस्चार्ज ही क्यों किया कि जिसकी अभी मेंटल कंडीशन इतनी ठीक ही नहीं थी। तो ये भी एक सेंटिनल इवेंट आ गया, ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल शिज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है या बायपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट्स है, और वो सुसाइड के हॉस्पिटल में भी ऐसे पेशेंट्स अटेम्प्ट करते हैं लेकिन उनके ऊपर मतलब अटेंडेंट वगैरह खड़े होते हैं या नर्सेज वगैरह होती हैं, तो अभी उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है और आपने उसको डिस्चार्ज कर दिया। समझ आई? ओके मैम। ये किस बच्चे ने पूछा था? नाम भी साथ बता दिया करो, तो बच्चे सामने नहीं है सारा, उसमें नाम ही पूछ रहे। क्या नाम है बेटे आपका? I'm सलाहुद्दीन। अच्छा सलाहुद्दीन, सलाहुद्दीन इससे भी मुझसे कुछ पढ़ा हुआ है सलाहुद्दीन ने? अच्छा चलो अब ह्यूमन फैक्टर प्रिंसिपल्स जो है, अच्छा अब ह्यूमन एरर, अच्छा अभी देखो अब इसमें यही चीज बताई हुई है कि ह्यूमन फैक्टर्स प्रिंसिपल्स रिमाइंड अस दैट एरर इज द इनएविटेबल डाउनसाइड ऑफ हैविंग अ ब्रेन इज ह्यूमन नेचर रिगार्डलेस ऑफ देयर। अब देखो इसमें बेसिकली ये है कि अगर एक डॉक्टर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है और सारी चीजें उसमें है, लेकिन उसमें भी एक कैपेसिटी होती है कि वो भी मिस्टेक कर सकता है। मतलब कोई कभी भी अपने आप को ना आपने ऐसे नहीं समझना कि मैं जो हूँ मैं अकेले कुल हूँ और मुझसे कोई गलती नहीं हो सकती, क्योंकि असल में अगर आप नॉर्मल जिंदगी में देखो तो ये आपका जवाल ही तब स्टार्ट होता है जब आप अपने आप को ना बहुत समझना स्टार्ट हो जाओ। तो ये कि आपने इवन आप जब किसी वर्क प्लेस पे जाओ तो आप बहुत मोहतात रहो हर चीज में, मतलब अब आप ये ना सोचो कि मैंने जी इससे पहले भी बहुत सारी सर्जरीज कर ली हैं, इससे पहले भी बहुत सारे पेशेंट्स को चेक कर लिया, तो मैं तो अब इसमें बड़ा माहूर हो गया, क्योंकि इससे बेसिकली आपके फिर एरर के चांसेस तब भी ज्यादा हो जाते हैं जब इंसान अपने आप को बहुत समझना स्टार्ट हो जाता है। मतलब हमेशा मेरे ख्याल से एक डॉक्टर को तो हर वक्त ये सोचना चाहिए कि मैं एक लर्निंग फेज में हूँ, मतलब हर वक्त आपको पता है कि रिसर्चेस जो है हर प्रोसीजर जो है वो उसकी नई नई चीजें आती रहती है, नई नई इक्विपमेंट आती है, तो आपने ये कि आपने अपने आप को अपडेट करते रहना अकॉर्डिंगली, ये नहीं सोचना कि जी बस अब यहाँ से निकलो तो सोचो बस सब मैंने पढ़ लिया जो यूनिवर्सिटी में पढ़ना था, मैंने नहीं आगे पढ़ना, ऐसे नहीं सोचना कभी भी, ठीक है, चाहे शादी भी हो जाए, लड़कियों को बड़ा शौक होता है शादी का, उसके बाद कुछ नहीं करती। अच्छा आप सिचुएशन एसोसिएटेड विद एन इंक्रीज रिस्क ऑफ एरर, ठीक है, अब इसमें ये कुछ ऐसी सिचुएशन है कि जिनकी वजह से एरर के चांसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। सबसे पहले तो एक अनफेमिलियरिटी विद द टास्क, क्या आपको ये नहीं पता कि आपको टास्क क्या दिया गया, ठीक है, अब आपको ये जब आपको ये नहीं पता लगेगा कि आपका टास्क क्या है, आपने करना क्या है, तो ऑब्वियसली एरर के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। आप पहले आपने अगर किसी पेशेंट के पास जाना है तो आप अच्छे तरीके से लाइक उसकी हिस्ट्री लो, देखो कि आप इस पे क्या कर सकते हो, और इन एक्सपीरियंस एक बहुत ही ज्यादा ऐसी चीज है कि ऑब्वियसली अगर आप देखो एक बिल्कुल फ्रेशली ग्रेजुएट है, आप उसको दे दो पेशेंट फॉरन ही और उसको बताओ ना सही तरह से, अब उससे ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो उससे एरर के चांसेस बहुत ज्यादा है। और इसके अलावा शॉर्टेज ऑफ टाइम, जिस तरह मैंने आपको ये बताया कि जब टाइम शॉर्ट हो बंदा कंसेंट ना ले या कॉन्फिडेंशियलिटी ना रखे, जितना कम टाइम हो बंदा बस पेशेंट्स जो है ना उनको जान छुड़ाने की करे, तो उसमें भी ऑब्वियसली एरर के चांसेस ज्यादा। आपने हर पेशेंट को ना उसका टाइम दो, लाइक ये ना सोचो कि नहीं नहीं जल्दी जल्दी बस पेशेंट से जान छुड़ाते हैं, इस तरह नहीं सोचना,
और इनएडिक्वेट चेकिंग. ऑब्वियसली जब आप चेकिंग प्रॉपरली नहीं करोगे तो आप डायग्नोस कैसे, आपका डिफरेंशियल डायग्नोसिस नहीं ठीक बनेगा, फाइनल डायग्नोसिस नहीं ठीक बनेगा, तो वो फिर ऑब्वियसली वहां पे भी एरर के चांसेस ज्यादा है. पुअर प्रोसीजर्स, अब देखो पुअर प्रोसीजर्स में यही है कि आपने इक्विपमेंट जो है उसको प्रॉपरली यूज ही नहीं किया. अब ये कौन बोला बीच में, ये माहत तो नहीं बोला दोबारा से, कौन बोला? नो मैम, मैं नहीं हूँ. अच्छा चलो ठीक है. अच्छा आप ये बेसिकली ये क्या थे सिचुएशंस कि जिनमें ज्यादा रिस्क हो. ऑब्वियसली देखो एक बंदे के पास नॉलेज ही नहीं है, एक्सपीरियंस ही नहीं, नॉलेज हो भी एक्सपीरियंस नहीं है उसका प्रैक्टिकली. आप देखो ये अपनी अपनी जिंदगी में भी देख लो कि अगर आपने ड्राइविंग पहले नहीं की हुई और आप गाड़ी लेके चले जाते हो कि नहीं नहीं मैं तो कर लूंगा ड्राइविंग, तो खुद ही सोच लो कि फिर क्या होगा उस गाड़ी का भी और आपका भी. अच्छा आप इंडिविजुअल फैक्टर्स दैट प्रीडिस्पोज टू एरर, अब ये जो है अब कुछ इंडिविजुअल फैक्टर्स में क्या क्या आ जाते हैं, ये हमने पहले भी बात की है कि लिमिटेड मेमोरी कैपेसिटी. तो सबसे पहले तो ये कि आपकी, आप देखो सबसे बड़ी चीज ये है कि आपने एक चीज मेमोराइज ही नहीं की कि आपने कैसे पेशेंट्स को चेक करना है, आपने कैसे प्रोसीजर करना है, ठीक है. और इसके अलावा ये कि उससे फर्दर अब एक बंदे की मेमोरी में एक चीज ही नहीं है कि उसने कैसे परफॉर्म करना है, और इसके बाद फर्दर वो किस चीज से रिड्यूस होगी कि उसके एक तो पहले ही उसके दिमाग में कुछ नहीं है कि मैंने करना क्या है, ऊपर से उसको भूख लगी हुई हो या वो थका हुआ हो या वो खुद बीमार हो. और लैंग्वेज और कल्चरल डिफरेंस फैक्टर्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको पेशेंट की बात ही नहीं समझ आ रही कि वो अगर किसी और लैंग्वेज में बोल रहा है और आपको समझ ही नहीं आ रही तो आप कैसे उसको ट्रीट करोगे, वो अपनी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट बता रहे हैं और ये, तो ये चीजें जो है ना इंडिविजुअल फैक्टर्स जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये अगर इनमें से कोई भी चीज होगी तो ऑब्वियसली एरर के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है. अब अप्लाई ह्यूमन फैक्टर्स थिंकिंग टू योर वर्क एनवायरमेंट, ठीक है. अब ये आपने कैसे करना है कि आपने अवॉइड रिलायंस ऑन मेमोरी, मेक थिंग्स विजिबल. अच्छा अब इसमें ये बेसिकली ये चीज है कि देखो एक चीज आपने बुक वगैरह तो पढ़ ली, ठीक है, आपने जो है एक चीज आपकी मेमोरी में भी है, लेकिन आपने जब प्रैक्टिकल वर्क जब आप करने जाते हो, जिस तरह हमने अभी बात की कि बहुत ज्यादा जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा लायक बंदा हो तो वो आगे से प्रैक्टिकली भी उसका हाथ उतना ही अच्छा हो. जिस तरह लड़के जो होते हैं उनका ये आपने देखा होगा कि वो उनका हाथ ज्यादा पता नहीं अच्छा होता है. जिस तरह आप डेंटिस्ट से देखो जो मेल डेंटिस्ट है वो, ये मैं कोई बायस नहीं बता रही, ये एक जर्नल से बात बता रही हूँ कि पढ़ाई में वो अच्छे खासे पीछे होते हैं लड़कियों के, लेकिन आप में अनेक सारे उनको ना मैम शादी का शौक नहीं होता. हाँ मेल डेंटिस्ट को, मेल डॉक्टर को शादी में इतना शौक नहीं होता. हाँ शादी का शौक नहीं होता, नहीं हाँ लड़कियों को शौक होता है, बल्कि इतनी पागल है इनके शौक निकल में बड़ी जल्दी जाते हैं. लेकिन ये है, और लड़के दूसरी बात है कि वो प्रोफेशनली उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत होती है ना, अगर लड़की जॉब कर रही है तो वो तो एक ऑप्शनल चीज है, लेकिन लड़के के ऊपर एक पूरी फैमिली की शायद ये भी रीजन होती हो वैसे, जैसे पूरी फैमिली रन करनी है एग्जैक्टली. और लड़की तो जॉब करती है सिर्फ अपने मतलब अपनी आशियों के लिए ज्यादा करती है, मतलब ज्यादातर लड़की. हाँ ऐसी भी होती है बिल्कुल, लेकिन बेटा सब मैम लड़ाई हो जानी इधर क्या कह रहे हो, लेकिन ये है कि कुछ लड़के इस तरह भी, हाँ एजुकेशन इम्प्रूव भी, लेकिन आपको पता है कि जब वैसे पैसे वगैरह आ रहे हो लड़कियों को अपनी जॉब से तो फिर उनको वो भी हो जाता है ना कि इस तरह भी हो जाता है कि मतलब थोड़ा सा लड़की चाहती है कि मैं भी इंडिपेंडेंट हूँ, अपने प्रोफेशनली भी करती है ऑब्वियसली, लेकिन ये कि उसको होता है कि बंदा किसी पर डिपेंडेंट क्यों हो सारी लोग, ये चीज मेरे ख्याल से. मुझे पकड़वा ना देना इस क्लास के बाद चाहे मैं बाहर निकलूँ. और अच्छा अवॉइड रिलायंस ऑन मेमोरी, ठीक है. अब देखो ये वही बात याद नहीं कि मतलब जरूरी नहीं कि जो बच्चा बहुत ज्यादा लायक हो वो आगे जाके प्रैक्टिकल लाइफ, आप खुद भी जाओगे ना जब इंशाल्लाह प्रैक्टिकल लाइफ में तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता लगेगा कि मतलब ये आपका बुकिश नॉलेज एक तरफ और आपका अपना हाथ का स्किल एक तरफ. जिस तरह जो बंदा जिसका हाथ अच्छा होता है और साफ होता है, जिस तरह आप देखो अक्सर जो सर्जरी वगैरह में जो सर्जन होते हैं, जरूरी नहीं कि वो अपनी उसमें स्टूडेंट लाइफ में टॉपर्स ही होते हैं, हर एक का अपना अपना. और ये कि मोटिवेशन की, कोई बंदा जितना मोटिवेटेड होता है ऑब्वियसली वो काम उतना अच्छा करता है, कि एक बंदे ने सोचते हैं कि मैंने ये करना है हर हाल में तो वो कर लेता है अल्लाह की तरफ से या उसके जहन में आता है इसलिए. तो उसमें ये चीज ये कि ठीक है लायक होना अच्छी बात है, ज्यादातर ये भी होता है कि लायक स्टूडेंट्स आगे उनके लिए ये आसानी होती है कि चलो शुरू से मेहनती वो होते हैं, ये चीज होती है. लेकिन ये कि सिर्फ लायक होना जो है और सिर्फ बुकिश नॉलेज होना आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए मतलब इतना हेल्पफुल है, लेकिन बिल्कुल टोटल नहीं है हेल्पफुल. लाइक 100% ये नहीं हो सकता कि आपने जो है जैसे कि जो आपने पढ़ा है जो आपका बुकिश नॉलेज है वो ही आगे आप जाके बहुत ज्यादा लायक हो.
क्योंकि आप देखो आप जब वार्ड या क्लिनिक पे जाते हो अक्सर ऐसे पेशेंट आ जाते हैं जो आपके बुक में नहीं लिखा होता कि इस तरह के पेशेंट्स आएंगे. लिहाज से पेशेंट इतने क्रैंकी क्रैंकी आ जाते हैं, तंग करना शुरू कर देते हैं, लाइक नहीं आप मुझे पहले चेक करें ये वो. तो उसमें उस वक्त आपका अपना जो दिमाग है और अपनी आपकी जो कि आपने कैसे हैंडल करना है ऐसे पेशेंट को, तो वो आपके अपने उस पर डिपेंड करता है कि आपका स्किल वगैरह कैसा. ठीक है. अच्छा, मेक थिंग्स विजिबल. अब देखो जिस तरह मैंने ये भी बात की थी कि आप जिस तरह कोई भी इक्विपमेंट होता है उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि कैसे आपने करना है ये प्रोसीजर, या ये भी आप कर सकते हो कि कोई हॉस्पिटल वाले मैनेजमेंट वाले ये करें कि जहां पे कोई इक्विपमेंट रखा हुआ है साथ थोड़ा सा एक फ्लो चार्ट सा या साथ कुछ लिख दे किससे इस तरह आपने यूज करना है. क्योंकि ऑब्वियसली एक बंदा हॉस्पिटल की सेटिंग में जाता है तो उसका आइडिया तो ऑब्वियसली होता ही है कि मैंने किस तरह यूज करना है, लेकिन एक उसका ये होता है कि उससे एरर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि जिस तरह वो ये करते हैं कि वो साथ ही अगर उसके लिखा हो इक्विपमेंट के कि ये करना है तो कोई स्टेप वो मिस नहीं करता. ये चीज है कि आप विजिबल इस तरह आपको ये बना लो, या आप ये करो कि जिस तरह आप एक डॉक्टर का क्लिनिक है तो साथ लिख दो कि हैंड वॉशिंग जो है वो कंपलसरी है हर पेशेंट से पहले. आप देखा वो डॉक्टर जब भी एक पेशेंट को चेक करेगा वो जब उस चार्ट को देखेगा तो उसके फिर से ज़हन में आएगा कि मैंने हैंड वॉश किया. तो ये चीज है कि आप जितनी चीजें विजिबल होंगी उतना एरर के चांसेस कम होंगे. ठीक है. और रिव्यू एंड सिंप्लीफाई प्रोसीजर्स. ठीक है. अब देखो अब इसमें ये है कि आप ना इस अपने पूरे प्रोसीजर को ना लाइक थोड़ा सा जिस तरह आप डील कर रहे हो एक हॉस्पिटल को भी चाहिए और जिस तरह कोई भी सेटिंग है उसको चाहिए कि थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे. फॉर एग्जाम्पल एंटीबायोटिक्स है तो वो लिमिटेड नंबर इस तरह कर दे कि चांसेस एरर के कम हो जाए. कि जिस तरह फॉर एग्जाम्पल आप ये देखो कि जिस तरह अगर मैं अपनी एग्जाम्पल दूँ तो जिस तरह डेंटिस्ट्री में आपने देखा फ्लैजल वगैरह बहुत ज्यादा देखते हैं, फ्लैजल देखते हैं, विब्रामाइसिन देखते हैं, तो उसमें ये कि आप फार्मेसी में रख ही लिमिटेड सी दवाइयाँ रख लो. कि मतलब ये हो कि आप इससे ये होगा कि अगले बंदे को पता होगा कि मैंने इस गम डिजीजेस के लिए ये वाली एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करनी है इसके लिए. इस तरह देखो आपके लिए याद करना कितना आसान हो जाएगा. कि आपने उसमें ये है कि जिस तरह रेगुलरली जो दवाइयाँ जिस तरह आप देखो कि मॉक्सिल सारे लोग मॉक्सिल तकरीबन देते हैं अनलेस किसी में रेजिस्टेंस ना हो. तो ये कि आप एक तो ये आप सिंप्लीफाई करो हर चीज को. इवन ये मैं आपको सही बात बताऊं तो अपनी जिंदगी में भी ना कॉम्प्लिकेटेड चीजों की तरफ ना जाना कभी भी, क्योंकि आप बहुत बुरे तरीके से फंसते हो. आप अपनी जिंदगी को भी सिंप्लीफाई करो. हम नहीं कहते कि अपनी जिंदगी में इवन आप अपनी जो आम रूटीन है आप अपनी जिंदगी को सिंप्लीफाई कर लो. आप लोगों की बातों पर ध्यान ही ना दो. वैसे ही एक बात बता दूं कि जितना सिंप्लीफाई करोगे उतनी आपके लिए आसानी होगी. जितना कॉम्प्लेक्स बनाते जाओगे ना उतनी जिंदगी में मुश्किल होती जाएगी. क्या मतलब लेकिन यहाँ तो हम खैर हेल्थ केयर की बात करें तो उसमें यही है कि जिस तरह एक सिस्टम ये कर सकता है कि लिमिटेड नंबर ऑफ ड्रग्स रख ले. ठीक है. और ये कि डोजेजेस भी एक लिमिटेड आपको ना हर ड्रग की एक एक डोजेज याद हो, एक एक या दो दो मैक्सिमम कि सबसे इसकी लोएस्ट क्या होती है या इसकी ये आप अब छोटी छोटी डोजेज याद रखोगे कि जी ये 20 भी दे सकते हैं, 30 भी दे सकते हैं, 40. अब देखो आप उतने कंफ्यूज हो जाओगे. पेशेंट आया अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं इसको कितने मिलीग्राम्स दूं. तो आप उसकी एक फिक्स ड्रग और ये कि बेसिकली आप ये देखो कि आप इवन हॉस्पिटल्स में भी जाते हो तो एक कुछ दवाइयाँ फिक्स्ड होती हैं जो आपको दे रहे होते हैं उन्हें. ठीक है. तो उसमें सिंप्लीफाई करो प्रोसेसेस को ताकि एरर के उससे सबसे ज्यादा ये आसानी होगी कि एरर के चांसेस कम होंगे. ठीक है. स्टैंडर्डाइज कॉमन प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स. अभी तक समझ आ रही है? यस मैम. जी मैम आ रही है. ठीक है. अब किसी से पूछ लो. Yes, ma'am. चलो अच्छा आप मुझे बताएं. चलो अब मुझे कौन बताएगा कि avoid reliance on memory क्या मतलब है इसका? अमरीन बख्श मैम मैं बताऊं? अमरीन आप बताओ. Yes, ma'am. आप बताओ कि avoid reliance on memory का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अपनी जो नॉलेज है सिर्फ उसके ऊपर रिलायंस नहीं करना बल्कि प्रैक्टिस को भी ज्यादा बेहतर करना है. क्या सॉरी मैंने क्या आप कह रही हो? क्या बताया मुझे? अपने नॉलेज पे भी रिलायंस करना. हाँ वेरी गुड. ठीक बताया. मैं एक्चुअली साइट के अंदर हाँ ठीक कह रही हूँ अमरीन. वेरी गुड. ठीक है. तो बेसिकली आपने सिर्फ अच्छा ये सारे ना मैं एक एक करके पूछूंगी सबसे. खास तौर पे वो बच्चे अब अगली दफा पता नहीं कितने बच्चे मुझे लगता है अगली दफा सारे बच्चे आ जाएंगे है ना.
अच्छा आप स्टैंडर्डाइज कॉमन प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें बेसिकली ये है कि आप एक ना अब जिस तरह फॉर एग्जांपल डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, ठीक है, अब ये करें कि सारे डिपार्टमेंट ना एक स्टैंडर्ड रख लें कि मतलब हम लोगों ने डिस्चार्ज फॉर्म सबके सेम हो जाए, या फॉर एग्जाम्पल ड्रग ऑर्डर फॉर्म्स, मतलब बेसिकली वो ये करें कि छोटी छोटी चीजें कॉमन रख लें, कि ये कि जब एक बंदे की रोटेशन एक डिपार्टमेंट से निकल के दूसरे डिपार्टमेंट में जाए तो ये ना हो कि उसको दोबारा से सारी चीजें उस डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंगली करनी पड़े, उस पर एडजस्ट, कि सारे डिपार्टमेंट्स अगर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है तो सारे अपना एक स्टैंडर्ड रख लें कि हमने इस तरह के फॉर्म्स बनाने हैं, या हमने इस तरह के जो है डिस्चार्ज फॉर्म सबके सेम हो। मतलब उससे ये आसानी होगी कि जब एक बंदा जो है एक डिपार्टमेंट से उठ के दूसरे में जाएगा तो उसके लिए ज्यादा मुश्किल होगी और एरर के चांसेस कम हो, ठीक है। कि बेसिकली ये करें कि आप जिस तरह कोई क्लिनिक है या ये कि आप हॉस्पिटल ये करें कि हर डिपार्टमेंट में ना एक स्टैंडर्ड रख लो, कि जिस तरह हर एक की प्रिस्क्रिप्शन स्लिप सेम हो, हर एक की जो है डोजेज, मतलब बेसिकली इससे ये होगा कि जब एक बंदा एक डिपार्टमेंट से दूसरे में जाएगा तो ये नहीं होगा कि उसको दोबारा से सारा अपना वो करना पड़ेगा उसके लिहाज से एडजस्ट। मतलब जो चीजें स्टैंडर्ड रखी जा सकती हैं वो स्टैंडर्ड रखें ना, मतलब ये नहीं कि ऑब्वियसली हर डिपार्टमेंट में डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीजर्स होंगे, लेकिन ये कि जिस तरह कुछ चीजें, जिस तरह डिस्चार्ज फॉर्म हो गया या प्रिस्क्रिप्शन वाला फॉर्म, इस तरह की चीजें कॉमन रखें। जी हाँ, एंट्री सेम हो, या हर एक का मतलब कोई अगर आगे फी स्ट्रक्चर वगैरह मिलता जुलता हो, या इस तरह की सिंप्लीफाई हो जाए चीजें, एक डिपार्टमेंट एक ही हॉस्पिटल के अंदर है ना देखो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, तो वो एक स्टैंडर्ड रख ले हर डिपार्टमेंट का, कि जो एक दूसरे से मिलता जुलता हो, कि एक बंदा एक डिपार्टमेंट से दूसरे में अगर उसकी रोटेशन हो रही है तो उसे ये ना लगे कि जी अब मुझे बहुत सारी चीजें लर्न दोबारा से करनी पड़ेंगी। अब उसमें ऑटोमेटिकली जी मेथड सेम हो, या इसमें ये कि ऑटोमेटिकली आप देखो कि जब एक से दूसरे में जाओगे तो उसकी चीजें आपको भूलती जाएंगी, फिर नए में आपको एरर करने के चांसेस होंगे, कि आपने ये कि पीछे से जो आप लेके आ रहे हो वही आप आगे लेके चलो। हाँ, काफी सब्जेक्ट्स इस तरह हमारे भी लाइक जिस तरह देखो आप हर प्रोफेशन में देखो कि सब्जेक्ट्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड ही होते हैं, इवन एमबीबीएस में देख लो कि हर डिपार्टमेंट जो है वो दूसरे से इंटर रिलेटेड ही होता है, तो सारे सब्जेक्ट्स हैं वो बेसिकली एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। आप देखो फार्मा पढ़ोगे तो फिजियो आएगी तो फार्मा पढ़ोगे, तो उसमें एक स्टैंडर्डाइज कर लो, उससे ये होगा कि आसानी हो जाएगी डॉक्टर्स के लिए। अभी तुम लोगों से नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी, अब इस वक्त में टाइम बहुत कम रहेगी और आज अच्छा रिलायंस और विजिलेंस। अच्छा ह्यूमंस, अच्छा अब इसमें देखो कि अब विजिलेंस का क्या मतलब होता है, कौन बताएगा? अलर्टनेस। अब इसमें देखो कि फॉर एग्जाम्पल आप ये देखो अगर आप सारा दिन एक ही काम करते रहो तो एक तो ये हमारी अपनी भी आदत है कि हम बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कि फॉर एग्जाम्पल कोई थोड़ी सी बेहतर चीज नजर आती है हम फॉरन डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब इसमें ये है कि सारा वक्त एक हेल्थ केयर वर्कर की ना ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सारा वक्त अलर्ट रहे और सारा वक्त मतलब ये ना करे कि जिस तरह आराम से कुछ दे। अब इसमें ये चीज आती है कि आप इतना ज्यादा बर्डन ना डालें कि वो हेल्थ केयर वर्कर थक जाए और उसके बाद जो है ना वो उतना अलर्ट ही ना रहे, जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता आपकी अलर्ट रहने की भी, जिस तरह लेक्चर में देख लो कुछ देर के बाद बंदे का जरा दिल नहीं जाता कि वो लेक्चर पर, तो ये चीज है कि मतलब बेसिकली ये है कि इसमें ये है कि आप ये क्या कह रही थी। अच्छा, अब इसमें बेसिकली ये है कि आप ये इस तरह मतलब अब ये कोशिश करो कि एक जो हेल्थ केयर वर्कर है वो ज्यादा थक ना जाए किसी भी चीज से, क्योंकि जैसे ही आप थकना स्टार्ट होते हो तो आप देखो आप उस काम से जो है ना डिस्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाते हो। अगर एक बंदा शुरू सुबह से लेकर शाम तक पेशेंट देखता है तो ऑब्वियसली शाम को वो थक जाएगा और वो फिर अपनी जान छुड़ाने की करेगा, ये एक नॉर्मल सी बात है। अगर हम लोगों को भी सारा दिन एक जगह बिठा दे एक ही काम कराते रहे तो एंड पे हमारे ना शुरू शुरू में हम बहुत अच्छा देखेंगे उस पेशेंट को, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता विजिलेंट भी कम हो जाएंगे क्योंकि हम थक गए इस वजह से। अच्छा, रूटीनली यूज चेकलिस्ट, ठीक है। अब इसमें यही है कि चेकलिस्ट हो, मतलब एक एक जिस तरह एक बंदा है, ठीक है, वो जब भी कोई एक हेल्थ केयर वर्कर है अगर वो जा रहा है किसी हॉस्पिटल वगैरह में या वो जिस तरह, तो वो अपना जिस तरह हम फॉर एग्जांपल आप में से कोई क्लिनिकल वर्क कर रहा है तो वो अपनी एक चेकलिस्ट रखे कि मैंने ये चीजें करनी है पेशेंट को चेक करने से पहले। फॉर एग्जाम्पल ये कहे कि मैंने हाथ धोना है, मैंने पेशेंट से इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना है, मैंने इसकी इन्फॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखना है, कि एक बंदा अपनी एक चेकलिस्ट बना ले, इससे ना उसके अपने जहन में कुछ पॉइंट्स रख ले कि ये मैंने हर हाल में करने हैं अगर मैंने पेशेंट को चेक कर, ठीक है।
कि मतलब ये ना हो कि वो कोई चीज ना, इससे ये होगा कि वो चीजें भूलेगा नहीं जब उसके जेहन में एक चेकलिस्ट उस सबने बनाई होगी, चाहे बेशक अगर अगर आपके नहीं जेहन में रहता तो आप किसी पेज पे लिखो और अपने पास वो पेज रखा करो कि मैंने ये चीजें करनी है जब मैंने इक्वेशन को चेक करना। अच्छा इंसिडेंट मॉनिटरिंग, अच्छा अब इंसिडेंट मॉनिटरिंग में ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर पहले कोई इंसिडेंट हो गया वैसा कि किसी से कोई एरर हो गया है या किसी से कोई नेग्लिजेंस होगी भी है या किसी ने वॉयलेशन की भी है, तो उसमें ये है कि आप बेसिकली ये देखो कि आप वो उस चीज को अपने जहन में रखो, ऐसी चीजें अपने जहन में रखो जिससे हार्म वगैरह हो सकता है कि ताकि आप जब वो काम करने लगो या आपने पहले कोई इंसिडेंट सुना है या किसी से सुना है कि किसी इक्विपमेंट के यूज करने से किसी डॉक्टर से कोई गलती हो गई है, तो आप वो चीज अपने जहन में रखो कि ताकि आप वो गलती दोबारा से रिपीट ना करो। ठीक है, ये बेसिकली जी जैसे बीटा ब्लॉकर्स वाली गलती थी। अब उसमें ये है कि आपने अगर एक अगर साथ कोई और नर्स भी खड़ी हुई है तो वो भी अब विजिलेंट है कि मैं मेरे से आईंदा ये गलती ना, ठीक है, या पहले कोई गलती हुई है तो आप उसको मॉनिटर करो कि किस तरह हुई थी और आपने नहीं करी। अच्छा रिमूविंग एरर ट्रैप्स, ठीक है, कि ये वही कि आपने बेसिकली ये कि आपने ये देखा है कि ऐसी क्या जगह है कि जिनकी ऐसी क्या चीजें हैं, रीजंस क्या है एरर होने की वजह से, जो किसी से अगर कोई एरर हुआ है तो उसकी क्या रीजन थी, और आपने जिस तरह आपको पता लगे कि किसी से ये एरर हुए हैं तो आपने वो चीज़ अब अपने जहन में रखी है कि आपसे वो एरर ना हो, क्योंकि एरर तो आपको पता है ना कि अनइंटेंशनली होता है, उसमें इंटेंशनली नहीं होता। अच्छा अब आइडेंटिफाई नियर मिसेस, ठीक है, अब इसमें ये है कि इसमें भी वही है कि इसमें बेसिकली ये है कि आपने यही कि आपने अगर फॉर एग्जाम्पल चलो इसमें एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जिस तरह आप ये देखो कि एंटीबायोटिक्स अक्सर एक दूसरे से मिलती जुलती होती है, जिस तरह एक ही अगर आप क्लास में देखो अगर एंटीबायोटिक्स है, अच्छा आप जिस तरह एक इमोक्सिल, अच्छा कुछ लोग रेजिस्टेंट होते हैं इमोक्सिल से, ठीक है, तो आपने आप बेसिकली इसमें ये करना है कि जिस तरह अगर दो एंटीबायोटिक्स आपके जहन में और दोनों एक दूसरे से मिलती जुलती है, आपने देनी कोई और थी और आप दे कोई और दो, तो ये चीज देखो कितनी बड़ी गलती होगी आपसे। तो उसमें ये है कि आपने बेसिकली आपने ये चीज अपने जहन में रखनी है कि अगर एक ही क्लास की दो एंटीबायोटिक्स आपके जहन में है तो आपने ये चीज देखनी है कि कौन से पेशेंट को आपने कौन सी देनी है, आपने ये चीज देखनी है कि आपसे गलती हो सकती है कि आप गलत वाली एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर दो, या फॉर एग्जाम्पल दो डिफरेंट क्लासेस की एंटीबायोटिक्स थी, ये आप ये ना करो कि दो एंटीबायोटिक्स और आप उनमें से कोई गलत वाली उसको प्रिस्क्राइब कर दो। अब देखो ये बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपने कोई दवाई देनी है और एक ही आपके जहन में बहुत सारी एंटीबायोटिक्स आ रही है लेकिन आप जो है मिलती जुलती भी आ रही है और आपने देनी कोई और थी आप दे कोई और, तो उसमें ये है कि आप विजिलेंट हो कि आपसे कोई छोटी मोटी भी, क्योंकि आपके आपके एंड में तो ये छोटी सी गलती है लेकिन देखो पेशेंट को इसका कितना ज्यादा अफेक्ट हो सकता है कि लाइक वो एंटीबायोटिक भी ले रहा है और उसके साइड इफेक्ट्स वगैरह भी हैं और वो आपने गलत देती है, ठीक है, तो वो भी आप आइडेंटिफाई करो कि कहाँ पे थोड़ी बहुत ये गलती वगैरह हो सकती है, या फॉर एग्जांपल जिस तरह कोई इक्विपमेंट से कोई डैमेज वगैरह हो जाए तो वो भी आप किसी को पहले कोई डैमेज हुआ तो वो भी आप देखो कि छोटी छोटी गलतियां जो है ना कि छोटी सी आपकी गलती की वजह से अगले का कितना नुकसान हो जाए तो वो भी आप देखो जी। हाँ अवेयरनेस, अवेयरनेस क्या किस चीज की अवेयरनेस, हाँ अवेयरनेस बिल्कुल, अवेयरनेस आप ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि आपने कोई भी प्रोसीजर करना है कुछ भी करना है तो आप अपने जहन में रखो, ठीक है। अच्छा अब अगली क्लास में ना मैं तुम लोगों से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछूंगी क्योंकि इस क्लास में मैंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, ठीक है, हाँ नहीं कहाँ इतने थोड़े पूछे, चलो ठीक है बच्चों कोई आप लोगों को कोई मतलब कोई चीज अगर समझ ना आई हो तो पूछ दो। अच्छा रोल ऑफ रिपोर्टिंग, अब इसमें ये अच्छा बेटा एक सेकंड, आपकी बस स्लाइड देख लो कि आपसे अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई आप देखो किसी से अगर कोई एरर वगैरह हो गया अगर जिस तरह, तो उसको ये चाहिए कि वो फॉरन रिपोर्ट कर दे ताकि आइंदा इसके बाद जो आए ना डॉक्टर्स वगैरह ये उनको पता हो कि इससे पहले गलती हो गई थी तब मैंने गलती नहीं करी। हाँ जी बताओ बेटा, ये मैं कर दूंगी, ये अपलोड कर दूंगी लेक्चर, चलो बस ठीक है। मैम एक क्वेश्चन है, हाँ जी बेटा एक सेकंड मैम, लेकिन जैसे हम वैक्सीनेशन करवा रहे हैं तो उसके बाद फीवर हो जाता है अक्सर, तो उसमें एंटीबायोटिक ले सकते हैं फीवर के लिए एंटीबायोटिक? जी मैम, आप यूं करो कि आप बेसिकली ये करो कि आप लगवाते सार ना पैनाडोल खा लो, लाइक आप ये करो कि आप बेसिकली जो है ना आप जैसे ही वैक्सीनेशन लगवा के आ रहे हो ना पैनाडोल खा लो, इससे आपको फीवर नहीं होगा।
ओके मैम, जो भी बच्चा वैक्सीनेशन लगवा के आ रहा है उसको लग रहा है कि मुझे पेन, मतलब उसको जिस तरह फीलिंग आ रही है कि मुझे पेन वगैरह हो सकती है, जिस तरह, तो वो पेनाडोल खा ले। जिस तरह हम छोटे बच्चों को भी जब लगवाते हैं तो उनको पिला नहीं देते पेनाडोल, पिला देते तुम लोगों को क्या होता, तुम लोगों के कौन सा बच्चे, उनको भी पेनाडोल, आप पेनाडोल खा लो, बस पेनाडोल खा लो, ठीक है। एंटीबायोटिक लेने की नहीं है जरूरत। उसमें ये है कि उन्होंने ये भी रेकमेंड किया हुआ है कि आप वैक्सीनेशन लगाते हो तो आप उस दिन पेनाडोल खा लो, उससे आपको ना कोई पेन होगी। और मेरे ख्याल से ऐसे अल्लाह का शुक्र है मैंने तो पेनाडोल भी नहीं खाई थी और मुझे फिर भी मुझे तो ऐसा कोई पेन नहीं, क्योंकि साइनो फार्म और साइनो वेट ये इतनी ज्यादा इनकी इंटेंस हो नहीं है। क्या चीज इससे बेटा एंटीबॉडीज आएंगी, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी, तो इम्यूनिटी एंटीबॉडी जो है वो इम्यूनिटी होती है आपकी। मैम जी, मैम साइनो ठीक है या साइनोफॉर्म ठीक है वैक्सीन, इनमें से बेस्ट कौन सी है? किसमें से, साइनो और साइनोफॉर्म? साइनोवैक की बात, मैंने साइनोवैक लगवाई है, वैसे मुझे तो लगता है साइनोवैक ज्यादा बेहतर है, पता नहीं, लेकिन साइनोफॉर्म भी एक जितनी है, दोनों चाइना की है, लेकिन मुझे साइनोवैक ही लगी थी, उन्होंने मुझे साइनोवैक ही लगाई थी। ओके आप मेरे यहाँ से साइनोवैक मैम स्टार्ट में साइनोफार्म आई थी, ये मुझे दे दो बेटा, आज की डेट लिख दो और अपना सेक्शन। और मुझे वैसे एक का मैम अटेंडेंस हो गई है बेटा, वो मैं लगा दूंगी ज़ारा हिफ्सा और आपका क्या मैम, हम जा सकते हैं हमारी क्लास है, हमारी क्लास है नेक्स्ट। हाँ बेटा जाओ, मैं तुम लोग जा ही नहीं रहे हो, मैं खुद ही सोच रही थी। मैम मैंने आपको क्लैश की मेल की और टाइम टेबल भेज दिया, आप उसको देख लेना। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।